भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कई लोगों को आपने देखा होगा, जो खाते हिंदुस्तान का हैं और गाते पाकिस्तान का हैं। यानी तमाम सुख सुविधाओं का लाभ लेने के बावजूद इनकी वफादारी कमबख्त पाकिस्तान के लिए ही होती है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, उनका हश्र क्या है। शायद ये बात पाकिस्तान के बड़े मुस्लिम नेता अल्ताफ हुसैन की हालत से अच्छे से समझ आ जाएगा। दरअसल इंग्लैंड में निर्वासित जीवन जी रहे पाकिस्तानी नेता और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के प्रमुख अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। उन्होंने पीएम मोदी से भारत में शरण देने या फिर आर्थिक मदद की मांग की है। पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के आरोपी अल्ताफ हुसैन इन दिनों लंदन में रह रहे हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी के मुताबिक जमानत में छूट मिलने के बाद पहली बार भाषण देने पहुंचे अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो भारत जाना चाहते हैं, जहां उनके पूर्वज रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर पीएम मोदी मुझे भारत आने की इजाजत देते हैं और वहां शरण मिलती है, तो मैं फिर अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दादा को वहीं दफनाया गया है। इसके अलावा मेरे हजारों रिश्तेदारों को भी वहीं दफनाया गया है। मैं भारत में उनके मजार पर जाना चाहता हूँ। अल्ताफ हुसैन ने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी मुझे भारत में शरण देने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो फिर कम से कम वो मुझे पैसों से मदद कर दे। उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें भारत पसंद नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान चले जाएं। अल्ताफ हुसैन 27 साल पहले पाकिस्तान से भागकर लंदन आ गए थे। वहीं से वो अपनी पार्टी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने सेना भेजकर कराची में MQM और उनके नेताओं को जमकर ठिकाने लगाया। माना जाता है कि उन दिनों कराची में हजारों लोग मारे गए। 1992 में अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में अपनी जान को खतरा बताते हुए ब्रिटेन चले गए। 2002 में उनको ब्रिटिश नागरिकता मिल गई। इस शख्स पर एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान में 3,576 मामले चल रहे हैं। 2014 में उन्हें एक हत्या के मामले में लंदन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीसरे दिन ही रिहाई हो गई। कुछ लोग अल्ताफ हुसैन को पीर भी मानते हैं।